वालेकुम, मेरा नाम तारिक भट्ट है, मैं बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हूँ। आज जिसके लिए है वो हमारी फिल्म है वेलकम टू कश्मीर। ये इसमें मुख्य कलाकार हमारे मतीना जी है, अहमद साहब है, हुसैन साहब हमारे वादी के, ये अमिताभ बच्चन है, अशफाक भाई हमारे यहाँ के विलन, ये बच्चों ने काम किया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वेलकम टू कश्मीर ऐसी फिल्म है जो पहली बार कश्मीरियों ने बनाई है और पूरा कश्मीर और पूरा इंडिया देखेगा। ये बॉलीवुड फिल्म है विद सेंसर सर्टिफिकेट UAE। तो ये पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है, बाकायदा पहले हम प्रीमियर आईनॉक्स से करेंगे। और ये फिल्म क्यों बनाई है हमने, इसके पीछे क्या वजह है, वो ये है कि कुछ लोग समझते हैं या कुछ स्टेट समझते हैं कि कश्मीर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, कश्मीर में आर्ट नहीं हो सकता। तो हमने मिलके ये साबित किया है कि कश्मीरी आर्ट भी बना सकते हैं, फिल्म भी बना सकते हैं जो पूरी दुनिया देख सकता है। और वेलकम टू कश्मीर हमने ड्रग्स पे कॉन्सेंट्रेट किया है कि ड्रग एडिक्शन जो यूथ में है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, और कश्मीर की जो रियल इमेज है जो बाकी बॉलीवुड वाले अक्सर नहीं दिखाते, उस रियल इमेज को, कि कश्मीर अगर 15% बुरा भी है तो 85% अच्छा भी है। वो जो 85% अच्छा है उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया, यहाँ के जो हिडन लोकेशंस है उन पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। दिस इज़ ऑल अबाउट वेलकम टू कश्मीर। देखिए, ये तो मुझे पता चला है कि यहाँ फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं वो सबमिशन के लिए जो उनका जो प्रोसेस है, मुझे लगता है बहुत स्लो है। शायद गवर्नमेंट काम कर रही है, बट मुझे लगता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उस तरह से काम नहीं हो रहा उतनी जल्दी जितना एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में जाएंगे और आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो आपको मेंटली बहुत ये करता है। सब्सिडी अपनी जगह सही है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है मुझे लगता है बहुत स्लो है। अभी तक हमें कुछ फ़ायदा तो नहीं दिखा, बट होप है कि शायद हमको मिल जाए वो फायदा। देखिए, ये हमने लास्ट मार्च में स्टार्ट किया, 15 मार्च से स्टार्ट किया। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम इसको दो तीन महीने में करें, लेकिन हमको 6 मंथ्स लगे। क्यों? क्योंकि हम एकदम रिमोट एरियाज़ में शूट करने के, हमने मैक्सिमम सोपोर के वो एरिया, जो अगर आप जाएंगे आपको शायद नहीं पता होगा, सोपोर में ऐसे भी एरियाज़ हैं हमारे पास जिसका नाम है रामपुर राजपुर, आपने सुना ही नहीं होगा। वो नेक्स्ट यूरोप है, आप यूरोप देखें और हमारा रामपुर राजपुर देखें, आपको यूरोप ही लगेगा, वो आपको स्विट्ज़रलैंड ही लगेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे टावर नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो वलोर हमारा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रश वेट लेकर वहाँ हमने शूट किया। तो हमने कोशिश की हम दिखा दें दुनिया को कि हमारे पास भी मैनी स्विट्ज़रलैंड और मैनी यूरोप है, बट वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी इस पहल से, मेरी इस इनिशिएटिव से शायद डेवलपमेंट हो जाए। अब हमारे पता चला कि हमारे वॉलर में शूट करने के बाद वहाँ व्यू पॉइंट भी बना है, तो चलो इनिशिएटिव सही, छोटा सा सही, लेकिन कुछ तो हुआ। तो ऑब्वियसली हम यहाँ के हिडन लोकेशन पे शूट करें, और जो आर्टिस्ट यहाँ के हमारे जो वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट है, मतीना जी ने जो काम किया, जो अहमद ने काम किया, आप फिल्म में देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, या हुसैन साहब थे, इनका जो काम है माइंड ब्लोइंग, ऑब्वियसली हम आगे काम करेंगे। मेरा ये है कि कश्मीरी उसको बहुत पसंद करेंगे, उसकी एक वजह है, क्योंकि बींग ए कश्मीरी मुझे भी एक पेन हमेशा बॉलीवुड में रहती है कि हमारे कश्मीर को 100% सही नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे बिजनेस किया जाता है कश्मीर के नाम पे, यहाँ के होटलों को यूज़ किया जाता है, डल को यूज़ किया जाता है, हाउस बोट को यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं एडिट करके थिएटर में, तो हम विलन्स होते हैं, कश्मीरी चोर लगते हैं। नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। गलत किस स्टेट में नहीं है, गलत किस कंट्री में नहीं है। तो मैंने वो जो 85% है बेस्ट वाला कश्मीर वो दिखाया, वो जो 15% जिसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं बाकी, वो नहीं दिखाया। तो कश्मीरी को बहुत पसंद आएगी, कश्मीरी उसको बार बार देखेंगे। तारिक सर के साथ मतलब बहुत ज़रा डिफरेंट था, मैंने पहले सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा रहेगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस, लेकिन करने के बाद मतलब मुझे पूरी फैमिली की तरह लगे, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे इनके साथ। बहुत फ्रीली काम कर रहे थे, और हम एक ऐसी फिल्म को लेकर, ऐसी कहानी को लेकर शूट कर रहे थे कि जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी जो तारिक सर, मतलब अभी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है जैसा अभी इससे पहले था, आप लोगों ने देखा है, लेकिन अब हम आपको अपनी आंखों से कश्मीर दिखाएंगे और सब लोग हमारी आंखों से ही कश्मीर देखेंगे, तो इस बार वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही लगेगा जो कि है। जी, मेरा नाम अहमद शहाब है, ये मेरी डेब्यू मूवी है तारिक भट्ट के साथ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली इस प्लेटफॉर्म पर आके, और कश्मीर में होके, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा ये चीज़ करने के लिए। ऐसे ही बहुत लोगों के शौक़ होते हैं कि जिनको आना होता है इस फील्ड में, और उनको हमेशा उनके दिमाग में ये चीज़ होता है कि आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा, बट ये अपॉर्चुनिटी मेरे को यहीं पे मिल गई, और काफ़ी
अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम कश्मीर से लेके आ रहे हैं, वेलकम टू कश्मीर लेके आ रहे हैं, ये हमारी कोशिश है कि हम अपनी इस इंडस्ट्री को यहाँ बिल्ड करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कश्मीर की एक अपनी एक रीजनल इंडस्ट्री हो और उस पर हम काम कर रहे हैं। अब कितनी हमें कामयाबी मिलती है वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हमें अपनी कोशिश करनी है। मेरा नाम आयान है, मैंने ये मेरी फर्स्ट मूवी है जो कि मैंने हम गुरेज वैली में गए थे शूट करने के लिए। सो इससे जो ये वेलकम टू कश्मीर मूवी है, हम इसमें ये बता रहे हैं कि जो कश्मीर है वो बहुत बहुत अच्छी यूनियन टेरिटरी है। जो बाहर के लोग होते हैं वो कश्मीर को नेगेटिव दिखाते हैं, बट कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत पॉजिटिव भी है। सो जो हमारी ये मूवी है, ये एक मूवी नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मिसाल है। मेरा नाम रेहान है, ये मेरी सेकंड मूवी है। इससे पहले मेरी एक मूवी थी जिंदगी तुमसे। तो मैं इस मूवी के बारे में बात करूँगा, वेलकम टू कश्मीर। ये वेलकम टू कश्मीर जो है ये रियल इमेज दिखाती है कश्मीर की, जैसे कि जो नेगेटिव होती है नेगेटिविटी कश्मीर की वो सभी दिखाते हैं बाहर के लोग, जैसे इन्होंने कहा है। बट जो ये वाली फिल्म है इसमें सारा जो कुछ है वो पॉजिटिव है कश्मीर के बारे में। तो एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरे 2-3 दोस्त हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट उनका पेरेंट्स सपोर्ट जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करता। पेरेंट्स बोलता ये कुछ नहीं होगा, इससे आवारागिरी है। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो एक आर्ट है, ये कला है, कश्मीर में खासकर बहुत ऐसे छुपे हुए स्टार्स है वो बाहर आना चाहते हैं, बट पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इनको सपोर्ट करें और इनको ये आर्ट में भर्ती करें। मेरा नाम इश्फाक है, मैं सोपोर से हूँ और ये मेरी थर्ड मूवी है। इससे पहले मैंने 2 मूवी की थी, एक केसरी और मिलन टॉकीज, छोटे छोटे रोल्स किए लेकिन किया है। और सबसे पहले मैं तारिक सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस मूवी में आने का मौका दिया है। और स्पेशली ये मूवी जो है, ये मूवी हमने ये एक एक्चुअली ये मूवी नहीं है, ये कश्मीर के लिए एक मिसाल है। यहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स फैल चुका है लोगों के रगों में, या मतलब आप देखो कि 3-4 महीने पहले डांगरपुरा में एक बंदे ने ड्रग्स करके अपनी माँ को मारा है, ठीक है। मतलब हमारा जो ये मूवी का जो मकसद है, हम चाहते हैं कि कश्मीर में ड्रग्स ख़त्म हो चुके होना चाहिए, और उसके बाद जो मतलब हमारा जो यूथ ये अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व हो जाए, और खासकर स्टडी वगैरह और स्पोर्ट्स गेम्स है। तालियां तालियां हमारे पोस्ट रिलीज पे वेलकम।